अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है स्पेशल बोरी कबाब। तो आए जी आपको बोरी कबाब बनाना सिखाती हूँ। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कबाब के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन का कीमा ले लिया है। बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। प्याज मैंने काट लिए हैं बारीक। 2 स्लाइस मैंने ब्रेड के ले लिए हैं। हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया है 1 टेबल स्पून। स्पाइसेस में जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बता दूं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून कबाब मसाला, 1 टीस्पून नमक ले लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने गर्म मसाला पाउडर ले लिया है। साथ में ये थोड़ा सा हरा धनिया मैंने काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। चॉपर के अंदर मैंने सबसे पहले कीमा ऐड किया है, साथ में हाथ में प्याज ऐड कर दूंगी। ब्रेड के स्लाइस भी ऐड कर दूंगी। हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी और ये बाकी जो स्पाइसेस हैं ये भी ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। अब इसको हम चला लेते हैं। कीमे को मैंने पीस लिया है, एक बाउल के अंदर मैंने इसे निकाल लिया है। तो अभी इसको तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में रख दूंगी। कबाब का जो मिक्सचर मैंने रेडी किया है इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए, तो अभी मैंने निकाल लिया है। अब मैंने प्लेट को भी ग्रीस कर दिया है और हाथों को भी अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है और कबाब की शेप दे लें हम इसको। जिस शेप के भी आपने कबाब बनाने हैं उसी तरह की आप शेप दे लें, आपको जो भी शेप पसंद है वो बना लें आप। तो मैं ये वाली शेप दूंगी इन्हें, बहुत बड़े नहीं बनाऊंगी, फिर वो बहुत बड़े जो होते हैं ना वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये कच्चे कीमे के होते हैं इसलिए इनको थोड़ा छोटा ही बनाएं तो बेहतर है। ये देखें इस तरह मैं बाकी भी बना लेती हूँ। मैंने ये कबाब रेडी कर लिए हैं, तो चलें जी इनको फ्राई कर लेते हैं। ये कबाब जो है इनको अंडे में मैं डिप कर रही हूँ और इसको मैं अब फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसी तरह बाकी भी जो है उनको मैं डाल दूंगी अंडे में डिप करके। ये सारे मैंने इसके अंदर कबाब जो है अंडा लगा के तो डाल दिए हैं। इसको मैं अब टर्न कर लेती हूँ जी। तो कबाब रेडी हो चुके हैं, इन पे कलर आ चुका है। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें जी हमारे कबाब की फाइनल लुक, बोहरी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। जरूर बनाएं, जरूर बना के ट्राई करें। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। कुक विद हिजाब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।